इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। चुनाव में हार जीत होती रहती है और हम सब परिपक्व राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हार में और जीत में संयम से समभाव रखना चाहिए। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से पार्टी का नुकसान होता है। विभिन्न मुद्दों पे लड़ा जाता है, प्रादेशिक मुद्दों पे लड़ा जाता है। मैं समझता हूं कि पिछली बार से अधिक बड़ा परिवार होकर अब की बार विधानसभा के चुनाव में ठीक है। हम गहलोत साहब की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गहलोत साहब, कांग्रेस पार्टी की किचकिच की खबरें रोज आप भी सुन रहे होंगे, शायद एकाध कार्यकर्ता सम्मेलन आप छोड़ दें जिसमें हंगामा न हुआ हो, जिसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न लगे हो, जिसे हम आम भाषा में कई बार कह देते हैं जूतम पैजार न हुई हो, बाकी हर एक कार्यकर्ता सम्मेलन इसी तरह का रहा है। ये किचकिच कहां लेकर जा रही है कांग्रेस को सर? मैं, मेरा अपना विचार है, वैसे तो मेरे को इनकी अंदरूनी लड़ाई पे ज्यादा कमेंट्स नहीं करने चाहिए, परंतु वो लड़ाई अब अंदरूनी नहीं रहेगी जी, वो लड़ाई सड़कों पे आ गई है, वो आम बात होके रह गई है। और जहां तक अनुशासनहीनता की बात ये करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं, पार्टी का मामला मैं क्या कॉमेंट्स करूं, परंतु किस किस पे करेंगे? आज अवतार सिंह बड़ाणा जो इनके 3 बार सांसद रहे हैं जी, अगर उनका कल आप लहजा देखें जी, बिल्कुल तो उसी का जिक्र कर लगा कि मेरे और शायद राहुल जी ने देखा होगा वो लहजा, जिस तरह का लहजा था कल, उसके बाद मैं तो सोचता हूँ कि किसी जो अति हो गई थी वो थी, उसके बाद कब कार्रवाई करेंगे कैसे करेंगे मेरे को तो पता नहीं। जहां तक राहुल भाई कह रहे हैं कि हमारा हरियाणा में प्रदेश में वो बड़ा है, पहले से अच्छा होगा, पहली बार 40 आए थे, इस बार लगता है कि 0 मिट जाएगी और वो 1-4 वाला वो रहेगा, ऐसी लोगों को संभावना है। और जिस तरह का असल जो मकसद है, जो लड़ाई का कारण है, वो सारा मेरे को ये लगता अपनी भाषा में, हरियाणा की भाषा में जी, कि जब हार होती है तो जूतों में दाल बटती है, ये स्थिति आज कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश में भी हो गई है, वरना यही सारे नेता थे, सब कुछ था जी। आज एक एक MLA किस हद तक जा रहा है जी, क्योंकि सबको अपना भविष्य जो है वो इस सेटअप में असुरक्षित नजर आ रहा है। इससे पहले कि अम्मू जी से प्रतिक्रिया लें, गहलोत साहब आ चुके हैं आप हमारे यहाँ चर्चा में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री बार बार अपने बयानों में एक बात कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री लोग तो पता नहीं, राजीव भाई माफी चाहूंगा जी, मुख्यमंत्री जी को तो और कुछ नजर ही नहीं आ रहा, उनको तो इनेलो नजर आ रही है, वो तो बार बार कह रहे हैं कि इनेलो का हम यही सवाल हम पहले उन्होंने पार्लियामेंट में कहा इनेलो आ रही है तो इनेलो का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, इनेलो के बारे में कह रहे हैं कि इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये मिट जाएगी, इसका वजूद चला जाएगा, क्यों? ये रात को मार के सोते हैं, हम सुबह फिर मजबूती से इनको सामने खड़े दिखाई देते हैं, इसीलिए चर्चा नहीं करते किसी बयान में जी, नहीं करते हैं, हमारी चर्चा तो कर रहे हैं वो, कह रहे कोई मुकाबले में नहीं है, इनेलो से कोई मुकाबला नहीं है, जान पूछ के कह रहे हैं ना, उनको पता है कि हरियाणा में जब से हरियाणा प्रदेश बनाया है, चुई देवीलाल जी के संघर्षों से बना, तब से जो है एक पक्ष चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, वो इनेलो का रहा है, और आने वाले टाइम में भी आप देखना कि इनेलो जो है बहुत मजबूती से हरियाणा प्रदेश में आएगी। ठीक है सर, अम्मू जी कांग्रेस पार्टी की किचकिच इसे कहां लेकर जाएगी? गहलोत साहब ने कहा कि अंदरूनी मामला है कांग्रेस पार्टी का, ज्यादा टिप्पणी वो नहीं करेंगे, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उससे स्थिति साफ है, आपकी नजर क्या देख पा रही है? क्या पहले भी आपने कांग्रेस पार्टी में ऐसे दृश्य देखे हैं कि जिले भर में सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन हो, हर जगह विरोध हो, हंगामा हो, आरोप लगे और भाषाएं तो आप देख ही रहे? राजीव जी, जैसे आपने कहा कांग्रेस की किचकिच, ये कांग्रेस की खिचकिच कांग्रेस को कीचड़ में ले जाएगी और उस कीचड़ में से कमल का फूल हरियाणा के अंदर खिलेगा, पहली बात। दूसरा, जो आज कांग्रेस के बहुत मीठे और सभ्य प्रवक्ता हैं, मेरे छोटे भाई हैं, बहुत लाडले, बहुत अच्छा बोलते हैं और इनको भेजा इसलिए जाता है ये बहुत मीठे हैं, एक तो इनका एक राहुल है वो जो बाजू टेढ़ा चढ़ा के बात करता है, एक राहुल है जो बहुत मीठा बात करता है जी, इनको पास कुछ नहीं बचा है, आज इनके पास कांग्रेस शैलजा है, आज इनके पास कांग्रेस वीरेंद्र है, आज इनके पास कांग्रेस भुकड़ी है, आज इनके पास कांग्रेस तंवर है, आज कांग्रेस बढ़ाना है, ना जाने कितनी कांग्रेस है। मेयर गोपी जी, राहुल जी तीनों गुड़गांव से आते हैं, गुड़गांव के अंदर भी एक कांग्रेस है, कांग्रेस जितेंद्र शर्मा, और कुछ है ही नहीं इनके पास, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बांट रखे हैं, ठेका दे रखा है, जितना हरियाणा को इन्होंने 10 साल लूटना था लूट लिया, इनकी दुकान अब बंद होने के कगार पे है। जो मेवात के मुद्दे की बात जो गोपी भाई ने कहा कि मेवात में आज तक इस प्रकार से हरकत नहीं हुई, परंतु राहुल जी मैं मेवात की बात इसलिए बार बार कर रहा हूं, ये एक षड्यंत्र के तहत, ये प्लानिंग के तहत ये सारे काम कराए जा रहे हैं, ये चाहते हैं कि हरियाणा के जो विकास के जो मैटर हैं, जो विकास में हरियाणा पिछड़ा हुआ है, उन
मुद्दों से हरियाणा की जनता को भटकाकर मुझे आपने गठबंधन को लेकर अपनी राय तो बड़ी बेबाकी से बताई और गहलोत जी को आपकी आपके जो बयान थे उसमें एक इशारा भी मिला, लेकिन खट्टर साहब ने जो दूसरा बयान दिया कि कुछ और दल हमसे गठबंधन करने की फिराक में है, वो दूसरा दल कौन सा है, उसकी क्या जानकारी दर्शकों को देंगे, आप कुछ बताएंगे? कुछ हमारे नेचुरल अलाइज हैं, शायद खट्टर जी ने उनके लिए कहा हो, जैसे अभी गोपी जी ने कहा कि मनोहर लाल जी हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं हरियाणा के, परंतु निर्णय अंत में प्रदेश की और पार्लियामेंट्री बोर्ड को लेना है, और मैं समझता हूँ जो निर्णय होगा, हाँ इतना तय है कांग्रेस का सूपड़ा साफ है अभी, जैसे चार कहा, दो तीन दिन में जैसे इनको साफ हो जाएगी, जैसे इनको चार कहा अभी जी, मेरे को तो चार पे भी डाउट है, अब मुझे दो चार दिन में स्थिति साफ हो जाएगी, मैं समझता हूँ अभी समय लगेगा, थोड़ा समय लग जाएगा, मुझे लेकिन ये तय है कि गठबंधन टूट जाएगा, गठबंधन मेरे हिसाब से तो टूट चुका है, अब कागज टूट चुका है, हस्ताक्षर होने गठबंधन खत्म हो चुका है, टूटना बाकी है मेरे हिसाब से, अब मुझे फिर सोच लीजिए एक बार, नहीं मुझे भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में आप सुनिएगा, आप चला सकते हैं, मैं साधारण ₹5 का सदस्य हूं भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता, और मोदी जी में कोई अंतर नहीं है, मैं जो अपनी बात करूं अपने दिल से कह रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों को दो लोकसभा की सीटों पर हमारा गठबंधन हुआ, अगर हमारे प्रदेश के 10 नेता और 10 में से भी 7 वो लोग जो लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं और वो गठबंधन नहीं चाहते, तो उस गठबंधन को हम क्यों करें, सिंपल ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि टूट चुका है मेरे हिसाब से, जैसे आज हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं और अंत्योदय के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और उन्होंने अगर ये बात कही है तो बहुत सोच समझ के कही होगी, और ऐसे ही कल रामविलास जी ने कहा, तो जब इतने बड़े नेता परसों कप्तान साहब ने क्या कहा था, वो भी तो बता दो ना, उन्होंने भी कहा, कप्तान साहब तो यही कहते हैं संगठन में सब चलता रहता है, परंतु जो भी होगा कांग्रेस का पत्ता साफ होना तय है, लेकिन अम्मू जी के लिए एक चीज और है जी, ये हरियाणा के राजनीति का इतिहास उठा के देखें, एक बार इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन के साथ, आपका इतिहास बताऊं मैं, नहीं नहीं गोपाल कांडा, आपका इतिहास गोपाल कांडा है, आपका जिलेराम सांगा है, आपका जिले विश्वास के कारण बहुत धन्यवाद जी गहलोत साहब जी, मेरे को एक मिनट तो गठबंधन के दस आए थे उसके बाद दो सीटें आई, ये गठबंधन तो हरियाणा की जनता पहले दिन से ही कह रही थी, जो आदमी आसमान में थूकता है उल्टा उसके मुंह पे गिरता है, उस गठबंधन के जो अपने आप को मुख्यमंत्री कह के चल रहे थे 2.5 साल लेकिन सर, तभी मानने को तैयार कहां थे उनकी, क्या तभी मानने को तैयार कहां थे, दिक्कत ये प्रदेश की जनता ने 2.5 साल बांट रहे थे और उसके बाद भी ये उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो हम पहली ऐसी पार्टी होगी जो इनका स्वागत करेंगे, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें बाकी, हार जीत होती रहती और हम सब परिपक्व राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हार में और जीत में संयम से समभाव रखना चाहिए, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से पार्टी का नुकसान होता है।